हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से एमजेडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली रिविजन करेंगे कल की वीडियो का। अभी हाल में समीर वी कामत दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इनका नाम बार बार आपके सामने आता रहेगा, तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। भारत ने 14 सालों के बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कोई पदक जीता है, और ये पदक है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर का हाईवेज और 1.2 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन्स बनाने का टारगेट सेट किया है। और वहीं ड्रीम सेट गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है सौरभ गांगुली को। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-2019 ये पुस्तक अभी हाल में विमोचित की गई पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। केवी सुब्रमण्यम दोस्तों भारत के कार्यकारी निदेशक होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, यानी IMF में। भारत में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी पोत INS विक्रांत दोस्तों फाइनली 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। पीएम मोदी जी इसके उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में पंजाब के मोहाली में दोस्तों होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं। 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए डॉक्टर असगर वजाहत महाबली नाटक के लिए, इनकी नाटक महाबली के लिए इनको सम्मानित किया गया है। थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओचा को कार्यालय से निलंबित कर दिया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का विन विन वीकेंड ऑफर स्टार्ट हो चुका है, केवल 2 दिनों के लिए है। ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए मिलेगा। इसके तहत 14 महीनों का टेक्स्ट बुक पास सिर्फ आप 400 रुपए में पा रहे हो, यानी 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप पा रहे हो। 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप MJT कूपन कोड यूज करते हो तो। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक पास से आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे मतलब एनालिसिस पा सकते हो। आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करवाया जाएगा। आप मॉक टेस्ट देते हो, सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन, उसकी ट्रिक्स सब कुछ पूरा बताया जाता है। साथ ही साथ वीडियो फॉर्मेट में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप टेक्स्ट बुक से बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन और प्रैक्टिस कर सकते हो। 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं, जिससे आप बेहतर कंपटीशन भी प्राप्त कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूज द कोड MJT एंड गेट 20% डिस्काउंट प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिस UU ललित दोस्तों देश के CJI के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ये भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। याद रखना है, जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिए हैं। इनको शपथ कौन दिलाया? इनको शपथ दिलाया दोस्तों हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाया है, जस्टिस उदय उमेश ललित को। इनका कार्यकाल दोस्तों सिर्फ 74 दिनों का रहने वाला है, यानी 8 नवंबर तक ये रहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश 49वें नंबर के। इसके बाद अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे DY चंद्रचूड़। कौन होंगे? DY चंद्रचूड़ जी होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और 50वें चीफ जस्टिस होंगे। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। चीफ जस्टिस की बात आ ही रही है तो पहली महिला चीफ जस्टिस भी पूछा जा सकता है। तो पहली महिला चीफ जस्टिस दोस्तों भारत को मिलेंगी 2027 में। 2027 में फरवरी में जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है ये बनेंगी भारत की चीफ जस्टिस बनेंगी 2027 में। याद रखिएगा, ये पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। ओके, अमेरिका की पहली महिला अश्वेत अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बनी है, केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम याद रखेंगे आप। और आयशा मलिक नाम से पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी 2030 तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ फैक्ट हैं, उनको आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अप स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो दोस्तों गूगल ने अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग कार्यक्रम की या प्रोग्राम की शुरुआत करी हुई है। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो 1 लाख से ज्यादा ऐसे इंडियंस को तैयार करेगी, अप स्किल करेगी, जो साइबर सिक्योरिटी के प्रति अवेयर हो सके।
ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को, या कहें कि जो जो इंटरेस्टेड होंगे इस सेक्टर में, उनको ट्रेन करेगी गूगल। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया प्रोग्राम डेवलप करने के लिए उनको अपस्किल किया जाएगा, और इस प्रोग्राम का नाम है साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कार्यक्रम, साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम। गूगल के बारे में बात करेंगे तो 1998 में स्थापना हुई थी। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने इसकी स्थापना करी थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है और सीईओ हैं इसके सुंदर पिचाई। अच्छा, सुंदर पिचाई को इस बार दोस्तों पद्म भूषण भी दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। पद्म भूषण इनको दिया गया, सुंदर पिचाई को भी, साथ ही साथ सत्या नडेला को भी दिया गया। सत्या नडेला कहाँ के सीईओ हैं? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है ना। अच्छा, सुंदर पिचाई को आपको पता होगा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया है। तो अल्फाबेट के भी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। अगला देखते हैं, किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। इस बार हरिद्वार घोषित किया गया है, पिछली बार गया को। गया जिला आप जानते हो बिहार का जिला है, एक बिहार का एक जिला है गया, उसको अभी जुलाई में जो रिपोर्ट आई थी इसकी, उसमें इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर नीति आयोग ने दोबारा जो रिपोर्ट जारी करी है, इसमें हरिद्वार जो कि कहाँ का है जिला, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला भारत का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, हरिद्वार डिक्लेयर इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसके तहत क्या होगा कि इस जिले के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जितना दिया जाता है सभी जिलों को उतना तो ठीक है, इनको 3 करोड़ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो जुलाई में इससे पहले बिहार के गया जिले को चुना गया था और अभी हरिद्वार को, उत्तराखंड का जो कि जिला है, इसको चुना गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम दोस्तों ये जनवरी 2018 से शुरू हुआ है नीति आयोग के द्वारा। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम है इसका पूरा नाम, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है जिले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, उनका विकास करना। अब नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में पहले बात करेंगे। नीति आयोग का फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है फुल फॉर्म। स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी 1 जनवरी को, और इसके अभी के वर्तमान में उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है अगर पूछा जाए आपसे? नए उपाध्यक्ष बने हैं ना, नए उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी, याद रखिएगा नाम इनका। और सीईओ भी नए बने हैं, सीईओ का भी नाम आप याद रखेंगे परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, अय्यर, ठीक है। ये दोनों ही तीसरे हैं, थर्ड नंबर के हैं, और प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए फिलहाल आप उत्तराखंड के बारे में क्विकली जान लेते हैं, क्योंकि हरिद्वार के बारे में बात हो रही है। तो उत्तराखंड आप मैप में अगर देखना चाहोगे, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है उत्तराखंड। देहरादून इसकी कैपिटल है, गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है, यानी 2 कैपिटल हैं, एक तो है विंटर कैपिटल, एक है समर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर सीएम है। आपको मैं अगर उत्तराखंड से रिवीजन करवाना चाहूं तो ट्रांसजेंडर आईडी जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। रितु खंडूरी विधानसभा की अध्यक्ष पहली महिला बनी है, याद ही होगा आपको। इसके अलावा सृष्टि गोस्वामी 1 दिन की सीएम बनी थी, उत्तराखंड की ही बनी थी। प्राइमरी स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था। इसके अलावा उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि हर एक जिले में एक एक संस्कृत भाषी गांव, संस्कृत बोलने वाला पूरा का पूरा गांव जो है वो बनाया रहा है, स्थापित कर रहा है उत्तराखंड। ये सारी चीजें आप उत्तराखंड से याद रखेंगे। 13 जिले हैं यहां पर। आगे देखते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस राज्य में खोला जाएगा? तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस दोस्तों ये खोला जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन हो रहा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, बेंगलुरु टू वेलकम इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इसको LNT के मदद से बनाया जा रहा है। LNT आपको पता होगा, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है। ये वर्तमान समय में ना भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है जो 3D प्रिंटेड इतना बड़ा कोई भी जो निर्माण कार्य है वो कर सकती है। तो लार्सन एंड ट्रूबो जो है इस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, और ये 1,000 स्क्वायर फुट में 25 लाख रुपए के खर्च से 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो ने ही तो दोस्तों बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा आप। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाया है? इसी ने बनाया है, ठीक है ना, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये दिल्ली में स्थित है, अनंग ताल जो है ये दिल्ली में स्थित है। यहां पर देख पाओगे आप आर्टिकल, अनंग ताल लेक डिक्लेयर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। तो ये दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने अभी हाल ही में यहां पर विजिट किया और इसको अभी नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंपोर्टेंस घोषित किया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। क्लियर है? अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही घोषित किया जाता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने तो एक प्रकार से आदेश दिया है। तो ASI जो है इसके बारे में जान लो, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक हैं वी विद्यापति इसकी महानिदेशक हैं, ये भी नाम आप याद रखेंगे। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम और मूल संगठन संस्कृत मंत्रालय। ओके, अगला। अच्छा, यहीं से अगर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूं एक पॉइंट और, तो दोस्तों अभी आपको पता होगा भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं। अगर आपसे रामसर साइट के बारे में पूछ लिया जाए या फिर धरोहर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रामसर साइट जो हैं ये भारत में हो चुकी हैं 75, आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर 75 पूरा कर दिया गया था। और अगर पूछा जाए विश्व विरासत स्थल कितना है भारत में, विश्व विरासत स्थल यूनेस्को का, तो आप बताएंगे विश्व विरासत स्थल जो है ये भारत में है 40। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ग्रुप डी की ई बुक है, इसके बारे में तो मैं आपको कई दिनों से बता ही रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले लीजिए, देर मत करिए। ठीक है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इसको नीरज चोपड़ा ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब, नीरज चोपड़ा आप सबको पता है जेवलिन थ्रोवर है, भारत के स्टार खिलाड़ी, और इन्होंने गोल्ड जीत लिया है लुसाने डायमंड लीग में भी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लुसाने डायमंड लीग का टाइटल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, यानी कि अभी तक किसी ने जीता नहीं था। तो लुसाने डायमंड लीग इन्होंने जीत लिया है, नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका, यानी जेवलिन को थ्रो किया और ये चैंपियनशिप जीत लिए। अच्छा, एक चीज और, अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए थे, यही वजह थी कि कॉमनवेल्थ नहीं जा पाए, कॉमनवेल्थ जब वहां से लौट रहे थे तब यहां पर ये शुरू हो रहा था, इस वजह से कॉमनवेल्थ में ये नहीं जा पाए, लेकिन यहां पर इन्होंने सिल्वर जीता था और सिल्वर भी इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि सिल्वर जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अंजू बाबीजार जिससे पहले 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, लेकिन ये सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा आपको पता होगा नीरज चोपड़ा दोस्तों ओलंपिक में जीत चुके हैं, ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिला चुके हैं, उसी के बाद से तो सब पूरा काया ही पलट गया इनका। ठीक है, ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड इकलौता भारत को मिला है अभी तक, नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। 7 अगस्त को ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, इस वजह से 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए हैं, किसके किसके? गुड डॉट के, टाटा AIA के, ठीक है ना, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आप याद रखेंगे, हरियाणा से आते हैं ये। अगला, हाल ही में सरकार ने किस राज्य के विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विलेज डिफेंस गार्ड योजना यानी VDG योजना इसको मंजूरी दे दी है। विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को मंजूरी मिल गई है, अब ये एक प्रकार से परमानेंट नियुक्ति कर दी गई, मतलब विलेज डिफेंस गार्ड दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर 1990 से ही चल रहा है, लेकिन वहां पर क्या होता था संविदा टाइप में नियुक्त किए जाते थे। विलेज डिफेंस गार्ड क्या होता है समझिए इस चीज को, क्या है कि जम्मू कश्मीर जो है ना बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर मतलब घुसपैठी ये घुसाते हैं या आतंकवादी जो है वो गांव में किसी घर पर कब्जा कर लेते हैं, रहने लगते हैं, तो ऐसे में सेनाओं को वहां तक पहुंचने में मतलब दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनपुट्स मिल नहीं पाते उतना। तो ऐसे में 1990 के दशक में ही वहां पर क्राइम रोकने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा वहां पर हिंदू मुस्लिम ये सब भी चल रहा था, तो इस वजह से उस टाइम पर विलेज डिफेंस गार्ड की स्थापना करी गई थी और टेम्प्रोरी बेसिस पर उनको गांव-गांव में ही नियुक्त कर दिया जाता था और वो इनपुट देना हो या फिर उनके डर से थोड़ा बहुत शांति बनाए रखना हो, ये सब चीजें चलती थी। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको परमानेंट कर दिया है, साथ ही साथ 4,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर भी रख दिया है। मतलब देखिए, जैसे आप काम करते रहो, आप जो काम करते हो, अपना जो चीज करते हो वो करते रहो, विलेज डिफेंस गार्ड में भी आप
हिस्सा रहो, ठीक है ना, तो इसके भी हिस्सा रहेंगे। तो यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना जो है ये सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है, जम्मू कश्मीर के लिए है ये, और जम्मू कश्मीर में गांव-गांव में ही ये होंगे, डिफेंस का काम करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। 15 अगस्त को इस बार से इसको ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है, तो अब इसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में और सेना की मदद करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगला, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों अर्जुन एरिगैसी ने। अर्जुन एरिगैसी जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, टीन अर्जुन एरिगैसी क्लिंचेज अबू धाबी मास्टर्स, तो ये जीत चुके हैं। 7.5 अंक के साथ स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को ये हराए हैं और जीते हैं ये खिताब। अच्छा, इनके टोटल पॉइंट हो गए हैं 2724। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर कोई चेस का खिलाड़ी है, शतरंज का खिलाड़ी है, अगर वो 2500 अंक तक पहुंच जाता है ना, तो इसका मतलब उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल जाती है। कौन सी उपाधि? ग्रैंड मास्टर, तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। तो इनके तो 2700 पॉइंट है, यानी कि ये ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर है, क्लियर है ना। तो अब पॉइंट भी देख करके आप बता सकोगे कि ग्रैंड मास्टर कौन है कौन नहीं है। इसके अलावा ये भारत में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर दोस्तों विश्वनाथन आनंद है 2756 पॉइंट के साथ, डी गुकेश 2728 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर एरिगैसी है, क्लियर है। नंबर्स घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो ये भी आप देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। अच्छा, शतरंज की बात आई है तो आप 44वां शतरंज ओलंपियाड मत भूलिएगा। शतरंज ओलंपियाड इस बार दोस्तों भारत में हुआ था, शतरंज ओलंपियाड इंडिया में हुआ था, और इंडिया में पहली बार हुआ था। अच्छा, पहली बार से याद आया एक और चीज, पहली बार हुई, पहली बार यहां पर रिले हुआ, पहली बार रिले प्रतियोगिता आयोजित की गई, यानी ओलंपियाड की मशाल रिले हुई, मशाल रिले पहली बार भारत में ही शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज और घटित हुआ, विश्वनाथन आनंद दोस्तों, विश्वनाथन आनंद फाइंड के उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए, फाइड के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये भी आप याद रखेंगे। वैसे विश्वनाथन की पुस्तक भी आप याद ही होगा, माइंड मास्टर, ठीक है। चलो, तो चीजों को लिंक करना सीखो, चीजों को जितना ज्यादा आप लिंक करोगे उतना ज्यादा आप याद रख पाओगे। शतरंज से संबंधित कुछ अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट्स आए चर्चे में उनको जान लेते हैं। जैसे वी प्रणव ने अभी भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का उपलब्धि हासिल किया। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने पैरासिस ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता जीती। अभी आर प्रज्ञानंदन दोस्तों तीसरी बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिए हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है ये बंदा। अरविंद चिदंबरम 41वां विला डी बनास्क इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं, और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब जीते हैं। डी गुकेश, वैसे आपको पता होगा, भारत के सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, पहले हैं विश्वनाथन आनंद। आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? वो बन गए हैं दोस्तों मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड एक जहाज लिए छोटी सी अपनी और पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए अकेले ही, मैक रदरफोर्ड, और वो भी सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, 17 ईयर ओल्ड पायलट बिकम यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। ये दोस्तों बुल्गेरिया की राजधानी सोफिया से अपना सफर शुरू किए और वहीं पर आकर के अपना सफर खत्म किए। मैक रदरफोर्ड छोटे से विमान से अकेले ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर चले आए और ये 150 दिनों में कार्यक्रम अपना पूरा चक्कर पूरा किए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उड़ान भरे और पूरा पार करके आ गए, नहीं, बीच बीच में उतरते भी थे, तेल वगैरह भरना, खाना वाना खाना, ठीक है ना, उसके बाद रेस्ट लेना, फिर उसके बाद उड़ान पर चलना, मतलब कुल मिलाकर पूरी दुनिया का अकेले ये चक्कर लगाए हैं। अगला, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी यूएफए का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? इसको जीत लिया है करीम बेंजमा ने और एलेक्सिया पोटेलस ने। एलेक्सिया पोटेलस और करीम बेंजमा, ये दोनों ही ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, करीम बेंजमा एंड एलेक्सिया पोटेलस विन यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइज। ओके, तो इसको जीत लिया है। करीम बेंजमा के बारे में बात करें
तो ये पुरुष वर्ग में खिताब जीते हुए हैं। ये अभी चैंपियंस लीग में 15 गोल किए थे और रियल मैड्रिड को 14वां यूरोपियन खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं एलेक्सिया पुटेलस का ये लगातार दूसरी बार यूईएफए पुरस्कार होगा, यूईएफए पुरस्कार होगा। क्लियर है ना? चलिए तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। आज संडे है तो आज रात वाली क्लास तो नहीं हो पाएगी जो लाइव आते हैं शाम को 7 बजे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनवरी से अगस्त तक की जो सीरीज चल रही है, जो फ्री में आपको शाम को 7 बजे पढ़ाई जाती है, उसकी जो वीडियोज आ चुकी हैं उनको जाइए देखिए। आज संडे है, 5 वीडियोज आ चुकी हैं, 5 वीडियो का आप रिविजन कर लीजिए। जनवरी से अगस्त तक आपका करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन और रिविजन पॉइंट्स के साथ आपका तैयार कराया जा रहा है। तो आज संडे है, बेहतर मौका है, आप 5 की 5 वीडियो आज ही देख डालो। आज आप फिल्म देखने का प्लान बनाए होगे, मूवीज देखोगे, टाइम पास करोगे, इससे अच्छा संडे है आप पूरा का पूरा करंट अफेयर ही तैयार कर लो। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ईबुक अगर लेना है आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। कल के क्वेश्चन की बात करेंगे, SBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे, पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है ना, SBI नहीं रहेगा, RBI रहेगा, आरबीआई रहेगा। निम्न में से किस राज्य के साथ छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ शेयर नहीं करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था और जो टॉप 10 थे उनका नाम यहां पर मैं शो करा दे रहा हूं। ये टॉप 10 है जिन्होंने सबसे पहले और डिटेल में आंसर किया, उनमें है मोहित ठाकुर, रविशंकर, ओम तिवारी, महेंद्र हेमब्रोम, निखिल मद्देसिया, प्रवीण त्रिपाठी, सुष्मिता साहू, अनुज निषाद, सुजीत कुमार और शुभांगी त्रिवेदी। इन लोगों ने सबसे पहले और डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी ऐसे ही किया करो। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है? आज क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसने जीता है? कल मैंने बहुत ही शानदार तरीके से जितने भी इंडिविजुअल पुरस्कार होते हैं बड़े बड़े सबको आपको बताया था, तो अगर आप नहीं जानते हो तो कल की वीडियो देख लेना एक बार। अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल 2022 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों किसने, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। और डिटेल में आंसर करिएगा जिससे आपका भी नाम लिस्ट में आ सके। इसकी क्विज और PDF फ्री में आपको MGT पर मिलेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।